उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ से यूपी ट्रिपल एससी पीटी परीक्षा को लेकर 8 जून 2021 यानी कि आज एक यहां पर आदेश और जारी किया गया है, संबंधित आदेश, जहां पर बताया गया है कि ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, जो कि 25/5 से प्रारंभ होकर 21/6/2021 तक चलने वाले हैं, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि समूह गा के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली यानी प्रारंभिक परीक्षा एवं तत्पश्चात मुख्य परीक्षा अपनाए जाने का निर्णय लिया गया है और शासन के उक्त आदेशों के क्रम में पीटी परीक्षा 2021 के लिए जो आवेदन हैं वो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर 25/5 से शुरू कर दिए गए हैं और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन 21/6/2021 तक यहाँ पर इस क्रम में लिए जा रहे हैं। वहीं पर बताया गया है कि एक बारंगी पंजीकरण आवश्यक नहीं, यानी कि जो OTR के लिए रजिस्ट्रेशन पहले आवश्यक किया गया था उसके यहाँ पर बताया गया है कि इस संबंध में अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु एक बारंगी पंजीकरण की जो वाद्यता है इस प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 के लिए समाप्त कर दी गई है, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने OTR में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और PET के रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनको OTR की परीक्षा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कोई भी नहीं रहने वाली है, लेकिन प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता को यहाँ पर बनाए रखना है। कहा गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के विभिन्न पदों पर चयन हेतु उच्छुक जो भी इच्छुक समस्त चयनित अभ्यर्थी होंगे उन सभी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग किया जाना आवश्यक है। अतः यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग नहीं किया गया तो उसके द्वारा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली किसी भी मुख्य परीक्षा में उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों के विवरण के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि में आने वाले मुख्य परीक्षाएं जो कि समूह गा की यहाँ पर हैं, जिनके लिए बैंड वन के आधार पर आपको 5200 से 20,000 रुपये यानी कि 1900 ग्रेड पे, वहीं पर बैंड टू के आधार पर 9300 से 34,800 यानी कि 4600 ग्रेड पे के आधार पर यहाँ पर सैलरी दी जाती है। इस क्रम में जो आने वाली विज्ञापित भर्तियाँ हैं उसमें से यहाँ पर उदाहरण के तौर पर बताया गया जैसे कि कनिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, गन्ना पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, लैब टेक्नीशियन, सहायक लेखाकार, कृषि प्राविधिक सहायक, आबकारी सिपाही, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, मुख्य सेविका व अनुदेशक आदि के पदों पर जो भर्तियां ये करता है यूपी ट्रिपल एससी, और इन्हीं पदों पर आपको पीईटी एग्जाम के बाद जो परीक्षाएं भर्तियां हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षिक अर्हता के बारे में न्यूनतम जो अर्हता है वो हाई स्कूल रखी जाती है, न्यूनतम हाई स्कूल के यहाँ पर पद निकाले जाते हैं, मैक्सिमम योग्यता के भी यहाँ पर पद निकाले जाते हैं, जिसके लिए अगर आयु सीमा की बात करें तो मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर छूट भी दिया जाएगा। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के बारे में बताया गया है कि प्रारंभिक जो अर्हता परीक्षा है तो पाठ्यक्रम को जो सूचना है वो 20/2/2021 को ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका जो सिलेबस है पीटी का वो यहाँ पर घोषित किया जा चुका है। परीक्षा तिथि के बारे में बताया गया है, पीटी की परीक्षा तिथि से आयोग की वेबसाइट पर माध्यम से आपको परीक्षा से कुछ दिन पहले सूचना दी जाएगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। वहीं पर स्कोर को लेकर बताया गया है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की जो तिथि है वो एक वर्ष तक मान्य रहेगी। जिस दिन आपका स्कोर अपलोड किया जाएगा उससे केवल 365 दिन आपकी ये जो अर्हता है वो मानी जाएगी, उसके बाद ये जो आपका पीईटी एग्जाम का प्रमाण पत्र रहेगा वो एक्सपायर मान लिया जाएगा। यहाँ पर पीईटी के लिए जो ऑनलाइन आवेदन हो रहे हैं उसके लिए स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 21 जून 2021 से पूर्व आप पीईटी 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन अपने सबमिट कर लें, क्योंकि 21 जून 2021 के उपरांत आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पर आवेदन न स्वीकार किया जाएगा न आवेदन की तिथियों में कोई बढ़ोतरी की जाएगी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से 8 जून 2021 को यह ऑफिशियली घोषणा की गई है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और ऐसी ही अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।